अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हमारा लेक्चर है क्या? हमारा लेक्चर है बैनर बनाना। किस लिए बैनर बनाना? क्योंकि हमने कंप्लीट HTML की वेबसाइट बनाना सीखने जा रहे हैं। तो ओपन करता हूँ Subnet X3। स्टेप बाई स्टेप आपको सिखाऊंगा कि हम कंप्लीट HTML की वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, ठीक है? तो ओपन करता हूँ, ये ज़्यादा टाइम भी नहीं मैं आपको लूँगा, सिर्फ 3-4 मिनट की हमारी एक वीडियो होगी जिसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे आते हैं HTML, ये मेरे पास एक फोल्डर है, मैंने ये नाम से सेव किया। ओपन करते हैं, अभी तक बैकग्राउंड कलर कुछ नहीं है और बैकग्राउंड के साथ साथ कुछ भी नहीं है नज़र आ रहा। जब कुछ होगा तो नज़र आएगा ना, लिखेंगे तो आएगा ना। क्या जी, यहाँ पे आते हैं, सॉरी, टेबल लगाते हैं। टेबल लगा के इसको कंट्रोल करते हैं। मैं कहता हूँ इसकी विड्थ लगा दो जी 1200 की। मैं कहता हूँ इसकी एक हाइट लगा दो जी 1200 की। अच्छा, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखिए अभी तक विड्थ और हाइट है लेकिन पता नहीं चल रहा, नज़र नहीं आ रही। नज़र आनी चाहिए हमें। तो फ्रेंड्स, नज़र कैसे आएगी? बॉर्डर से, बॉर्डर लगा दिया फोर्थ का। अब आएगी जी नज़र, रिफ्रेश किया, ये देखें ये नज़र आना चुकी है स्टार्ट। अब बॉर्डर का कलर भी चेंज करना होता है हम लोगों ने, कर लगते हैं, कौन सी बड़ी बात है। बॉर्डर कलर बोलते हैं इसको, और कौन सा कलर करते हैं? मैं कहता हूँ पर्पल कलर, ये हो गया जी पर्पल कलर। अब मैं कहता हूँ इसका एक बैकग्राउंड कलर भी हो, बैकग्राउंड कलर भी हो जाता है, कोई बात नहीं, नहीं बैकग्राउंड कलर भी हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो ये बाकी एरिया ना, पहले तो इसको मैं ना एक एलिजन भी दूंगा। एलिजन क्या होता है जी? एलिजन देते हैं जी और बोलते हैं सेंटर में मूव हो जाए, तो ये एलिजन यहाँ से सेंटर में आ जाएगा। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो बैल ये वाइट वाइट से है ना, यहाँ कलर आ जाएगा। लो जी, यहाँ भी आते हैं, बीजी कलर मेंशन करते हैं और एक बीजी कलर आ जाएगा। चलो जी, मैं नहीं यूज करता, मैं कहता हूँ ये वाला कलर आए, वो कलर भी आ चुका है, पर्पल कलर है। इसके साथ कंट्रास्ट अगर आई थिंक येलो का होगा ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये हो चुका है, अब लगाना है मैंने इसमें जो मेन चीज़ है। यहाँ पे आया, TR लगाया, फिर इसके अंदर GD लगाया। तो यहाँ पे आते हैं, अब ये आएगा कहाँ पे? रिफ्रेश किया, ये नीचे आ गया बिल्कुल। इसको मैं बोलता हूँ हमारे पास इतने भी जगह नहीं है, बल्कि आप सेंटर में जाओ। ये अब यहाँ से सेंटर में चला गया। मैं इसको कहता हूँ इसकी एक विड्थ 2300 की, इसकी एक हाइट 2300 की, और इसका एक बैकग्राउंड कलर भी कर दो ब्लू, ठीक है जी। अब आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, मेरी ये चीज़ें आ चुकी है बिल्कुल सेंटर में है। ये TR के बाद एक और TR लगाना होता है, फिर GD लगाना होता है, सिंपल सी बात है। चलो, ये बन चुका है जी हमारे पास बैनर, और ये बैनर के अंदर मार्क लगाएंगे, कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजिंग रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।